नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसे में दर्जन भर गंभीर रूप से घायल, एक की मौत। तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर बोलेरो के ऊपर पलटी, बोलेरो में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज लगभग 8 बजे के करीब बसखारी थाना क्षेत्र के कौड़ाही के समीप सवारी से भरी बोलेरो के ऊपर तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम पलट गई, जिसे बोलेरो में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष बसखारी अविनाश मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को तत्काल अपने सरकारी वाहन व एम्बुलेंस में लेकर आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया स्थित सौसैया अस्पताल ले आए, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर रूप से जख्मी असगर पुत्र इसरार उम्र लगभग 36 वर्ष को मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर रूप से घायलों का प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोलेरो में कुल 10 लोग सवार थे, जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बता दें कि जख्मी बोलेरो ड्राइवर पप्पू ने बताया कि सभी लोग एक ही परिवार के हैं, जो बड़ा गांव थाना बलुआ जनपद चंदौली के निवासी हैं, जो बसखारी स्थित की छौछा दरगाह शरीफ दर्शन के लिए जा रहे थे कि आज सुबह बसखारी के पास कौड़ाही के समीप दुर्घटना हो गई। फैजाबाद की तरफ से तेज रफ्तार डीसीएम आ रही थी, जो नियंत्रित होकर बोलेरो के ऊपर पलट गई। इस मौके पर अतरौलिया थाना अध्यक्ष रुद्र भान पांडे, बसखारी थाना अध्यक्ष अविनाश मिश्रा समेत पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। अशरफ अंसारी कहाँ निवासी हैं? चंदौली के। कैसा ये घटना घटी बताओ? घटना, हम लोग बाईपास से जा रहे थे और वो ट्रक वाला सामने से आ रहा था, हमने डीपर मारा और वो ताक रहा था उधर। जब करीबी मामला हुआ तो हमारा समझ में आया कि अब हम भागे दाहिने, दाहिने भागे, बस वो भागे जरूर लेकिन वो पलट गया हमारे ऊपर। अच्छा। जी, तो आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग चंदौली से किछौछा शरीफ जा रहे थे। कितने लोग आप सवार थे? करीब वही 9 लोग थे हम लोग, 3 बच्चे, 2-3-4-5 आदमी थे हम लोग। मतलब चंदौली से आप लोग दर्शन करने जा रहे थे? जी हाँ। जी हाँ। तो आप अभी बस महाराज से चले थे? जी हाँ, जा रहे थे। और ये ट्रक किधर जा रही थी लगभग? हम उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रही थी। इधर से इधर जा रही थी वो? आप लोग टूल से नहीं, टूल के किनारे वाले रास्ते जाए, बाईपास से निकल रहे थे? जी हाँ, बाईपास से हम उतरते। तो कितने लोग घायल हुए हैं? अभी ये तो हमें सर नहीं पता है, कोई एक्सपायर भी हुआ? बस ये भाभी हमारी हैं, ये दिखाई रहे हैं, और किसी पता नहीं है? किसी पता नहीं सर। यहाँ पे टोटल 10 लोग आए थे, जिसमें से 3 बच्चे हैं, 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, जिसमें से एक पुरुष का मतलब डेथ हो गया है। बाकी ज़्यादातर लोगों का तो मल्टीपल फ्रैक्चर है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, सर में चोट, दोनों बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं। उन लोगों को हमने जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है, बाकी लोगों को भी हम वहीं, चूँकि एक ही परिवार के हैं ये लोग, इसलिए जो है हम लोग वहीं पे एक साथ सबको ले गए हैं। अब एक आदमी होश में था, थोड़ा सा उससे पूछने पे पता चला कि ये बड़ा गांव चंदौली जिला के हैं और बलुआ कोई थाना है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये लोग किछवछा जा रहे थे, यहीं कौड़ाही के आसपास कहीं पे बोलेरो की टक्कर इनके ट्रक से हो गई है, तो इस वजह से ही हुआ है ये हादसा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।